जज्जी बस स्टैंड पर यात्री बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। यहाँ पेयजल की किल्लत इतनी बढ़ गई है कि लोगों को इस भीषण गर्मी में दुकानों से बोतलें खरीद कर अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है। इतना ही नहीं, बस ऑपरेटर भी पानी नहीं मिलने से काफी परेशान है। पेयजल को लेकर पहले तक नगर पालिका यहाँ प्रतिदिन एक टैंकर भिजवाती थी, लेकिन गर्मी की वजह से खौलते पानी को पीना लोगों के हलाहल पीने के समान हो रहा था। यही कारण है कि यात्री और बस ऑपरेटर नगर पालिका के नुमाइंदों को कोसते नहीं थकते। टोटी मोटी सब कोई पानी नहीं पीने रहे यार। कौन ने लगा दिए टोटी? क्यों लगा लिए आप लोगों ने? पूछा पानी नहीं पीने रहे क्या बोलते हैं भैया? ताला लगा पानी है नहीं आपका, जहाँ घसला के हम रखे वो कह रहा पानी में पानी नहीं है, तो पानी नहीं है, हम घसला के भरने के लिए टोटी निकाल ली। पहले पानी है नहीं निकला जगह का पानी या बाद में गर्मी में जो जहाँ 42-43 डिग्री तापमान है वहाँ पानी कहाँ से बचेगा? यात्री लोग पियेंगे 300-3300 लीटर टंकी रखी है, वो खाली हो गई। दो दिन कब से खाली है? अभी ये सुबह ही तो भरा है, सुबह पूरा भरा था, 11:30 बजे खत्म हुआ है। कितना पानी 2-3 घंटे में खत्म? 8,000 आदमी पानी पीता है यहाँ दिन में, 4 बार फाटक को भरना पड़ता है, कोई बैठ नहीं पड़ता, कुर्सी लगा। मतलब बोरिंग की कोई व्यवस्था नहीं? बोरिंग चालू रहे